औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस वीडियो में हम बॉन्डिंग थ्योरम और इसको एमिनेंट क्वालिटी या अपर बाउंड थ्योरम भी कहा जाता है, मुख्तलिफ बुक्स में इसको मुख्तलिफ नाम से लिखा गया, लेकिन हम चीज़ एक ही है, एक ही मतलब थ्योरम है, उसे इसके तीन नाम हैं। ML इनक्वालिटी भी कहते हैं या बॉन्डिंग थ्योरम या अपर बाउंड थ्योरम भी कहते हैं। हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और विद एग्जांपल्स हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह हम थ्योरम की हेल्प से किस तरह से हम कंप्लेक्स इंटीग्रेशन करेंगे। और जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी जो थी एवेल्युएशन ऑफ कंटूर इंटीग्रल, उस पर जो मैंने कल वे लेक्चर बनाया था, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो देख के आए, क्योंकि उसका भी हम इस थ्योरम में इसका यूज़ करेंगे। अगर वो आपको अगर उसकी समझ होगी कि एवेल्युएशन ऑफ कंटूर इंटीग्रल किस तरह से करते हैं, तो थ्योरम के प्रूफ में भी उसका थोड़ा सा यूज़ है, एग्जाम्पल्स में भी यूज़ है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल का पर्पस कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है, तो मैं थ्योरम्स तो लेती हूँ, लेकिन थ्योरम्स क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में MCQ टाइप ही क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, तो मैं सिर्फ थ्योरम्स लेती हूँ, थ्योरम की स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बनते हैं, और नेक्स्ट मैं उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ या क्वेश्चन करवा देती हूँ। और आज क्योंकि इसका प्रूफ भी छोटा सा ही है, अगर हम इसके प्रूफ को भी साथ आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि इसके थ्योरम क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, उसको भी हम इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर एग्जाम्पल्स भी उसकी हेल्प से समझना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसको करना मतलब समझ होगी, तो हम फिर इस ये क्वेश्चन ये से रिलेटेड इस थ्योरम से रिलेटेड हमें कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम कहीं ना कहीं इसको यूज़ करके इसका उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सो हम क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा है तो हम इसको भी करेंगे। वैसे आपके के पास अगर बुक्स और नोट्स तो होते ही होंगे, आपने कम्प्लेक्स एनालिसिस अगर मास्टर किया तो होंगी, तो आप थ्योरम अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो थोड़ा सा उसका प्रूफ भी देख लिया करें, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्वेश्चन समझने में ज़रा आसानी हो और अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, और इसको सिर्फ याद नहीं करना। कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन स्टेटमेंट थ्योरम से कोई स्टेटमेंट लेके उसके क्वेश्चन बनाना चाह रहा है, तो उसके स्टेटमेंट को किसी भी तरह वो घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके ऑप्शंस किसी भी तरह घुमा के पूछ सकता है। आप अगर आपको अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है थ्योरम के स्टेटमेंट की, तो आप मतलब वर्ड टू वर्ड ही आपने उसको याद किया हुआ है, और आप उधर कोई स्टेटमेंट उन्होंने वही स्टेटमेंट को वर्ड्स थोड़े चेंज करके दे दिए, तो आप फिर नहीं कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये कौन सा थ्योरम है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो कोई नई चीज़ ही आ गई है। तो थ्योरम की बेटर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस या कंप्यूटर एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ, अच्छे से उस मार्क्स ले सकें, और एग्जाम्पल्स अगर आप देख ही रहे हैं तो अच्छे से करके जाए ना, बेशक थोड़ा करें अच्छा करें, ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द लर्निंग नॉट क्वान्टिटी ऑफ द लर्निंग, सो इट इज़ बेटर ग्रेडेशन इफ़ यू अंडरस्टैंड। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल मैं 5-5 मिनट की वीडियो एक एक कॉन्सेप्ट के सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, ताकि हर कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। अगर एक सारे कॉन्सेप्ट 5-6 थ्योरम्स को अगर एक ही वीडियो में अगर कवर करती हूँ हो भी जाएगा, अगर इस तरह कवर करती हूँ तो आप दोनों सारे थ्योरम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और मतलब कन्फ्यूज़न हो जाएगी, या फिर उसको अच्छे से याद या अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि ये थ्योरम क्या हमें इन्फॉर्मेशन देता है, नेक्स्ट थ्योरम क्या देता है, कौन सा थ्योरम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं इन पर कोशिश है मेरी कि हर थ्योरम पे विद एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस में पे सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊं, ताकि हर कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करें, और इससे रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली आप कर सकें, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो हम इतनी बातों के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। बॉन्डिंग थ्योरम या एमिनेंट क्वालिटी भी इसको कहते हैं, या अपर बाउंड थ्योरम भी कहते हैं। ये हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन होगा कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, क्योंकि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस को डिस्कस करें, इसमें सारे कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन पे ही बात हो रही है। अब क्योंकि ये मैं जो चैप्टर लेके चल रही हूँ कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन पे बेस्ड ये कुछ थ्योरम्स हैं। आज ये मेरा सेकंड थ्योरम है, कल मैंने करवाया था एवेल्युएशन ऑफ कंट्रोल इंटीग्रल को कैसे एवेल्युएट करते हैं, और आज मेरे पास बॉन्डिंग थ्योरम है, वो कहता है कि मेरे पास फंक्शन f(g) जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन अ स्मूथ कर्व सी। स्मूथ कर्व सी पे फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब उस कर्व के हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है। एंड इफ मोड ऑफ f(g) लेस देन इक्वल टू m इज सम कॉन्स्टेंट है, अगर उसकी उस कंटिन्यूस फंक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी कॉन्स्टेंट से लेस देन इक्वल आ रही है, m इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, और इसी m को ही अपर बाउंड कहा जाता है, इसीलिए इस थ्योरम का नाम अपर बाउंड थ्योरम भी कहा जाता है। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, जितने भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन तमाम के लिए अगर उस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं वो लेस देन इक्वल टू m आती है, देन इंटीग्रल f(g) dz ओवर c उसका जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल होगा ml, ये L जो होगी वो लेंथ ऑफ द कर्व है,
जो हमने स्मूथ कर्व लिया उसकी टोटल लेंथ है, जिस तरह कर्व जो है वो किसी भी तरह हो सकता है, वो एक सर्कल भी हो सकता है, वो एक इस तरह भी कोई कर्व हो सकता है, कोई भी रेक्टेंगल शेप भी हो सकता है, कोई भी कर्व क्लोज कर्व हो सकता है करेंगे। टोटल उसकी जो लेंथ होगी वहाँ उसके लिए ये एल है और एम जो है मैक्सिमम वैल्यू है या अपर बाउंड है ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर उसकी अगर मेरे पास कोई कम्प्लेक्स मतलब है कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन उसकी जो इंटीग्रेशन है ओवर द स्मूथ कर्व सी, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो लेस दैन इक्वल होगी। ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है एनुमेरिकलिटी क्या है, या फिर आपको ये चीज़ दे दी जाए ऑप्शन में दे दिया जाए इक्वल है, लेस दैन है, नॉट इक्वल है, नेवर इक्वल या नन ऑफ दीज, इस तरह कुछ ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो मतलब इस पे इस इनइक्वालिटी पे भी ऑप्शंस बन सकते हैं या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू टाइप भी उन्होंने बनाना होता है, ये सिंबल्स भी पूछी जा सकती हैं। तो ये हमेशा लेस देन इक्वल होगा, नॉट ऑलवेज इक्वल, ये लेस भी हो सकते हैं, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या मोर जो है इस इंटीग्रल का एफ ओ जी डी जी का वो लेस देन इक्वल हो जाता है। एम एल और एम इज द मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस कंटिन्यूस फंक्शन एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कर्व। हम कैसे फाइंड करते हैं और कैसे एम निकालते हैं, कैसे एल निकालते हैं और ये कैसे इससे लेस देन इक्वल आती है, छोटा सा हम इससे इसका प्रूफ है वो हम देख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे इसके साथ। चलिए अब हम एम एन इक्वालिटी या अपर बाउंड फॉर कम्प्लेक्स इंटीग्रल कम्प्लेक्स का प्रूफ देख लेते हैं। पूरी एम एन इक्वालिटी या अपर बाउंड फॉर कम्प्लेक्स इंटीग्रल का प्रूफ देखें, मैंने स्टेटमेंट बता दी थी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ जी डी जी की इंटीग्रल ओवर सी लेस देन इक्वल होगी एम एल, और एल इज द लेंथ ऑफ द कर्व, एम इज द अपर बाउंड फॉर द या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी, फंक्शन एफ ऑफ जी इज द कंटिन्यूस एंड स्मूथ कर्व, पॉइंट टू बी नोटेड दैट। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रूफ। प्रूफ देखें, लेट एफ ऑफ सी भी कंटिन्यूस होना और कंटोर सी क्लोज्ड कंटोर क्लोज्ड पीस वाइज स्मूथ कर्व है हमारे पास, अगर फंक्शन वो कंटिन्यूस है एंड देन मोड ऑफ एफ इंटीग्रल एफ ऑफ जी डी जी ओवर सी लेस देन इक्वल होगा एम एल के, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कर्व, एम इज द अपर बाउंड फॉर मोड ऑफ एफ ऑन सी, वी नो दैट मोड एफ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज बाउंडेड ऑन सी ऑन कर्व, वी कैन से दैट के जो मोड है एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल एम होगा, एम इज सम वेयर एज इन एम जो है हमारे पास एक सम कॉन्स्टेंट है। और ये जो एवेल्यूशन कंटोर इंटीग्रल की हमने कल एक थ्योरम पढ़ा था इसी पे बेस्ड, उसकी उसी के हिसाब से हम ओवर सी इक्वल होता है एफ विद पैरामीटर, अगर मुझे टी दे दिया जाए तो एफ ऑफ जेड ऑफ टी इंटू जेड प्राइम ऑफ टी डी टी इंटू ए टू बी है, वेयर जो टी है वेरी करता है बिटवीन ए एंड बी, ए लेस देन इक्वल टू टी, टी लेस देन इक्वल टू बी, टी जो है वेरी कर रहा बिटवीन ए एंड बी, इस इंटीग्रल की वैल्यू। ये हमने कंटोर इंटीग्रल पढ़ा था कल। अगर मैं दोनों तरफ मोड अप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक मोड की प्रॉपर्टी है, अगर इस फंक्शन को इतने फंक्शन को मैं अगर आई सपोज कर लूँ, ये मेरे पास आई है, क्योंकि नेक्स्ट मैं बार बार ये चीज़ नहीं लिखूंगी, आई लेके चलूंगी और थोड़ा सा मतलब आपको अंडरस्टैंड करने में लिखने में थोड़ा कम होगा तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या है। चलें अब ये एक मोड की प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कोई मोड ले लेती हूँ ए टू बी, मेरे पास जी ऑफ टी एक अनदर फंक्शन है, सिर्फ ये मोड की प्रॉपर्टी मैं आप करवाने के लिए बता रही हूँ, तो वो लेस देन इक्वल हो जाता है ए टू बी इंटीग्रल साइन आप बाहर निकाल दे तो मोड उस फंक्शन पे ही जाके अप्लाई हो जाएगा, मोड ऑफ जी ऑफ टी डी टी, तो ये लेस देन इक्वल हो जाता है। अगर मैं ये मैंने दोनों तरफ मोड लिया था, अब ये मोड की प्रॉपर्टी लगा के इसको इंटीग्रल साइन को बाहर लेके आऊँगी और ये मोड मैं सिर्फ इतने अंदर वाले फंक्शन पे अप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरे पास जो आई होगा वो लेस देन इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट्स हैं ए टू बी एफ ऑफ जेड ऑफ टी इंटू जेड प्राइम ऑफ टी, इनके मोड्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं जेड प्राइम ऑफ टी, और ये इक्वली होता है डी टी। और ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी, ये जो चीज़ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी, मैं आपको थ्योरम के स्टेटमेंट से बता चुकी हूँ, ये एम के इक्वल है, अगर ये सम कॉन्स्टेंट एम ये एम के इक्वल है तो एम इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा एम ए टू बी, और अंदर मेरे पास रह जाएगा जेड प्राइम ऑफ टी इंटू डी टी, सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी, और ये मेरे पास एम भी आ गया और एल, और ये सारी चीज़ टोटली ये लेंथ ऑफ द कर्व है, टोटल लेंथ, और ये जेड प्राइम ऑफ टी ये डी टी ये क्या चीज़ है, ये लेंथ ऑफ कर्व कैसे है, ये तो देखें। अगर मैं जेड ऑफ टी अगर मैं इस तरह से लूँ जो हम सिंपली लेते हैं विद पैरामीटर टी के साथ एक्स ऑफ टी प्लस एटा वाई ऑफ टी, इस तरह से लेते हैं, अगर इसका साथ में डेरिवेटिव ले लूँ जेड प्राइम ऑफ
तो इक्वल हो जाएगा एक्स प्राइम ऑफ टी प्लस एओर्टा वाई प्राइम ऑफ टी के मोड भी मैंने अप्लाई कर दिया। और आपको पता होगा ये सारी जो चीज़ है इक्वल होती है डी एस के, लेंथ ऑफ द कर्व जिसे हम डी एस से शो करते हैं वो इक्वल होती है एक्स प्राइम ऑफ टी प्लस एओर्टा वाई प्राइम ऑफ टी इंटू डी टी के मोड के इक्वल होती है। या इसको आप इस तरह भी लिखते हैं डी एक्स ओवर डी टी प्लस ए, डी एस इक्वल होता है डी एक्स ओवर डी टी होल स्केयर प्लस एओर्टा डी वाई ओवर डी टी होल स्केयर रूट इंटू डी टी। ये टोटल लेंथ ऑफ द कर्व होती है और यही मेरे पास जेड प्राइम ऑफ टी है। अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो मेरे पास सबसे पहले इस फार्मूले की मदद से मतलब ये जो डी एस है लेंथ ऑफ द कर्व है, ये फिर कर्व की लेंथ मालूम करने के बाद यहाँ लगाऊंगी फिर उसको इंटीग्रेट करूंगी विद लिमिट ए टू बी लेके जो पैरामीटर टी होगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगा। तो यहाँ हम फिर उसकी ये फार्मूला लगा के जेड प्राइम ऑफ टी की एब्सोल्यूट वैल्यू लगा के मालूम करेंगे पहले, फिर वहाँ यहाँ लगा के फिर उसकी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी वो मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ द कर्व होगी। और यही मतलब ये जो फंक्शन होगा हमारे पास मोड ऑफ एफ ऑफ जी इंटीग्रल एफ ऑफ जी डी जी वो लेस देन इक्वल हो जाएगा, ये आई मैं इसको लेके चल रही हूँ आई लेस देन इक्वल हो जाएगा एम इंटीग्रल ए टू बी। और ये लेंथ हम ये लेंथ ऑफ द कर्व इस तरह निकालेंगे। क्वेश्चन करते हैं फिर आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यही चीज़ जो मैंने अभी करवाई है यही मैंने यही जो चीज़ करवाई है मैंने सेम इधर लिखी हुई है कि ये नेक्स्ट में ये कंटोर इंटीग्रल का मैंने थ्योरम अप्लाई किया। सबसे पहले दोनों की मोड वैल्यू ली और फिर लेस देन इक्वल हो जाएगी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ये लेस देन इक्वल हो जाएगी और ये मेरे पास कॉन्स्टेंट एम है वो ये बाहर आ जाएगा जेड प्राइम ऑफ टी डी टी, ये डी एस के इक्वल होता है लेंथ ऑफ द कर्व के इक्वल होता है। वापस यहाँ लगाएंगे तो मेरे पास यहाँ से जो इतनी ये चीज़ जो निकलेगी ये लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व निकलेगी और यही मेरे पास एल होगा लेंथ ऑफ द कर्व। अब एग्जांपल करते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि या तो जिस मॉडल मॉडुलस की वैल्यू को एवेलुएट करें या फिर वेरीफाई करें एम एल इक्वालिटी, या फिर आपको अपर बाउंड पूछ लिया जाएगा इस फंक्शन में, आपको लेंथ दे दी जाएगी इंटीग्रल दे दिया जाएगा और फंक्शन मतलब एफ ओ जी दे दिया जाएगा और साथ में कहा जाएगा कि आपको इसका अपर बाउंड फाइंड करें। आपको किसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है और आपने यही एम एल इक्वालिटी लगा के जो भी चीज़ दी जाएगी और जो फाइंड करनी होगी और वो फाइंड आप इधर से आसानी से कर सकते हैं अगर आपको थ्योरम के प्रूफ की अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रूफ समझ आ गया। तो हमारे पास कंप्लीट सर्कल हो तो हम लिमिट लेते हैं 0 to π, सेमी यूनिट सर्कल है तो इसकी हम लिमिट लेंगे जो हमारे मैं यहाँ पैरामीटर टी लूँगी उसकी जो लिमिट होगी वो 0 to π होगी, 0 < t < π 0 to π लिमिट होगी। और यहाँ मैं एक्स ले लूँगी, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कोज ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, तो जेड ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ कोज ऑफ टी प्लस एटा साइन ऑफ टी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो चीज़ है देखने वाली कि मैंने m कैसे निकालना है और l कैसे निकालना है, फिर वो लेस देन इक्वल हो जाएगा इस मोड वैल्यू के। तो m जो होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी, अगर मैंने z ये लिया तो इसका z का अगर कॉन्जुगेट लूँ तो वो क्या होगा z कॉन्जुगेट ऑफ t इज इक्वल टू कोज ऑफ टी प्लस एटा साइन ऑफ टी माइनस एटा साइन ऑफ टी के इक्वल होगा। और इसकी अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ तो कोज स्क्वायर टी प्लस एटा साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 स्केयर टी प्लस एटा साइंस स्केयर टी होल स्केयर रूट इज इक्वल टू 1 इस दिस इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ 1 आ गया। अब लेंथ हमने कर्व निकालनी है तो सबसे पहले हम इसका लेंगे डेरिवेटिव जेड प्राइम ऑफ टी डी टी हम निकालेंगे तो वो निकलेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेनी है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी कोज स्केयर टी प्लस साइंस स्केयर टी इज इक्वल टू, फिर यहाँ से ये फिर मुझे अगेन एक 1 नहीं मिलेगा। तो आप जो मेरे पास टोटल लेंथ किस तरह से निकाल दी थी आई मैंने कहा था आई जो इज इक्वल लेस देन इक्वल होगा एम इंटीग्रल वैल्यू मेरे पास यहाँ 0 to π है, 0 to π इंटीग्रल वैल्यू है और इसकी लिमिट्स हैं 1 into dt, तो दिस इंप्लाइज दैट आई लेस देन इक्वल हो जाएगा मेरे पास एम मेरे पास जो एम है वो भी 1 है और इसकी जो कर्व लेंथ निकली वो भी 1 है। इंटीग्रेट करें और लिमिट अप्लाई करें तो आपको पाई मिलेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो ये मेरे पास मोड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जी कॉन्जुगेट डी जी दिया गया था वो मेरे पास लेस देन इक्वल आ गया पाई के, दैट मीन आई लेस देन इक्वल टू पाई इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। एक दफ़ा फिर से देख ले कि मैंने एम और एल कैसे निकाला था। मैंने एम निकाला जो मेरे पास फंक्शन दिया गया था फंक्शन एफ ओ जी कॉन्जुगेट ऑफ जी दिया गया था, मैंने सबसे पहले उसके लिए जेड ऑफ टी पहले फंक्शन बनाया एक्स इज इक्वल टू कोज टी वाई इज इक्वल टू साइन टी लेके मैंने कोज ऑफ टी जेड ऑफ टी कोज ऑफ टी प्लस एटा साइन ऑफ टी बनेगा, फिर मैंने उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू को कोज टी माइनस एटा
साइन की कॉन्जुगेट अप्लाई किया, फिर मैंने इसकी मोर वैल्यू ली तो कोस स्क्वायर टी प्लस एटा साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, तो एम इज इक्वल टू 1 मेरे पास यहाँ आ गया, क्योंकि ये मेरे मुझे पता था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ओ जी जो होगा वो एम होगा मेरे पास यहाँ, ये अपर बाउंड एम जो है मेरे पास 1 आ गया। और एल मैंने कैसे निकाला, सबसे पहले डी एस निकालूंगी। डी एस किस तरह से निकालते हैं, ये हमने थ्योरम के स्टेटमेंट में देखा था कि मोर वैल्यू जेड प्राइम ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू करेंगे एस प्राइम ऑफ टी प्लस एटा वाई ऑफ टी वाई प्लस एटा वाई प्राइम ऑफ टी डी टी, और एक्स मैंने यहाँ लिया कोज ऑफ टी एंड वाई लिया मैंने साइन ऑफ टी। तो कोज ऑफ टी का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ टी, और वाई का डेरिवेटिव होगा कोज ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ टी है तो कोज ऑफ टी होगा। फिर मैंने इस पर मोड अप्लाई किया तो ये भी कोज साइंस के टी प्लस कोज के टी, ये भी बाई यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो हम कह सकते हैं ये भी इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये डी एस मेरे पास यहाँ से जो डी एस आया वो भी 1 आ गया। तो जो फार्मूला था मेरे पास ये, इस फार्मूले के अंदर मैंने जो कीमत लगाई आई इज लेस देन इक्वल टू एम इन टू इंटीग्रल, इसकी जो लिमिट्स हैं ए टू बी जेड प्राइम ऑफ टी डी टी था। तो यहाँ मैंने जब इसकी वैल्यूज अप्लाई की, एम भी मेरे पास 1 है और एल ये डी एस भी मेरे पास 1 आया, और इसकी जो लिमिट्स हैं पैरामीटर टी की वो 0 to π है, इस पर इंटीग्रल अवेलुएट करेंगे तो ये मेरे पास 1 times π, तो ये मेरे पास आई इज लेस देन इक्वल टू पाई, और ये सारी जो मुझे क्वेश्चन दिया गया था ये लेस देन इक्वल टू पाई बनता है, इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको अच्छे से ML क्वालिटी और अच्छे से इसका प्रूफ भी समझ आ गया होगा। आप इस पे इन पे बेस्ड क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी हो कि ये M कैसे L कैसे निकालते हैं और ये प्रूफ कैसे है, कोई क्वेश्चन आपका जो इस अंडरस्टैंडिंग के बाद भी अगर ना हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू।